पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है, ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो, जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की तो इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है, भारत हमेशा विजय श्री का वर्ण ही। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे।